प्रथम विश्व युद्ध की रणभेरी चारों ओर गूंज उठी। यूरोप में एक राजकुमार की हत्या देखते ही देखते एक वैश्विक संग्राम में परिवर्तित हो गया, जहां सभी को सत्ता की लालसा को तृप्त करना था। इस युद्ध से न मानवता को लाभ हुआ और न ही विजयी हुए देशों को, परंतु हानि सभी को हुई। सर्वाधिक हानि उस देश की हुई जिसने पराजित पक्ष जर्मनी को बढ़ावा दिया, ताकि इस्लामिक साम्राज्य के डूबते सूर्य यानी ऑटोमन साम्राज्य को बचाया जा सके। परंतु ऐसा नहीं हो सका और तुर्की की पराजय ने 3 वर्षों बाद इतिहास के एक अनकहे नरसंहार की नींव रखी, मोपला नरसंहार की। नमस्कार, मैं हूं अभिनव कुमार और मोपला के सत्य की सीरीज में मैं आज के इस अंक में आपको अवगत कराऊंगा मोपला के नरसंहार के उन अपरिचित अनसुने तथ्यों को, जो वामपंथी इतिहासकार कभी नहीं चाहते कि देश इनके बारे में अवगत हो। पिछले अंक में हमने आपको इस विषय से परिचित कराया था कि कैसे मोपला नरसंहार से पूर्व छोटे स्तर की 50 से अधिक हिंसक गतिविधियां होती रहती, जिससे मोपला जैसी त्रासदी की पृष्ठभूमि रची जा सके। इस संस्करण में आप इस तथ्य से परिचित होंगे कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ ही तुर्की की इस्लामिक खिलाफत का भी अंत हुआ और कैसे ऑटोमन साम्राज्य के विध्वंस मोपला नरसंहार के प्रमुख कारकों में से एक सिद्ध हुआ। जैसा कि हम अवगत हुए हैं, 19वीं सदी का अंत होते होते मालाबार क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता के विकट परिस्थिति का सामना कर रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यही स्थिति संपूर्ण संसार की थी। एक ओर यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण वैभव और विलासिता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो वहीं यूरोप से कुछ ही दूर पर स्थित मध्य एशिया में इस्लामिक सल्तनत का सूर्य अस्त हो रहा था। ये वो समय था जब सऊदी अरब इस्लामिक जगत का निर्विरोध सम्राट नहीं था और संयुक्त अरब अमीरात का लगभग कोई अस्तित्व ही नहीं था। तब तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य इस्लामिक जगत का सर्वमान्य नेता था और उसका बादशाह इस्लामिक जगत का खलीफा यानी नेता। परंतु ऑटोमन साम्राज्य पहले जितना सर्वशक्तिशाली नहीं था, वह अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध उनके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं था। ये वही समय था जब यूरोप में जर्मनी का प्रादुर्भाव शीघ्रता से हो रहा था। औद्योगिक क्रांति का यदि किसी ने सर्वाधिक लाभ उठाया तो वो था जर्मनी। औद्योगिक, आर्थिक और वित्तीय रूप से शीघ्र ही सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित होने लगा था और जल्द ही वह यूके और अमेरिका जैसे समृद्ध देशों को आंख दिखाने लगा था। आज जो स्थिति चीन की है, एक समय में यूरोप में वही स्थिति जर्मनी की भी थी। अब जर्मनी के लिए रणनीतिक रूप से तुर्की काफी महत्वपूर्ण था और तुर्की के लिए जर्मनी का समर्थन। जर्मनी के समर्थन से तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को बल मिलता और तुर्की एवं जर्मनी संयुक्त रूप से अपने शत्रु रूस को पराजित कर देते। परंतु विश्व युद्ध के परिणाम ने पूरा पासा ही पलट दिया। जर्मनी भी पराजित हुआ और तुर्की भी। परंतु कथा तो यहां से आरंभ होती है। 1920 में फ्रांस के सेवेरस शहर में हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार पराजित तुर्की को अपने अधीन अधिकतर क्षेत्रफल उनके मूल स्वामी यानी उनके वास्तविक निवासियों को सौंपनी पड़ी। इसी से ऑटोमन साम्राज्य का वास्तविक पतन प्रारंभ हुआ। परंतु इसका भारत से क्या नाता था और मालाबार के मोपला नरसंहार में तुर्की के खिलाफत साम्राज्य की क्या भूमिका थी? उस समय विश्व के कई मुसलमानों के लिए तुर्की के खलीफा सर्वमान्य नेता माने जाते थे और उनका प्रभुत्व का लोहा विश्व के अनेक मुस्लिम मानते थे। ऐसे में खलीफा का अपमान अर्थात उनका अपमान था और यही भावना भारत के कई मुसलमानों में भी उमड़ रही थी। सेवेरस का समझौता केवल तुर्की के लिए अपमान का विषय नहीं था, अपितु भारतीय मुस्लिमों के लिए भी अपमान का विषय था। इस समय तक भारतीय मुसलमानों का भारत के स्वाधीनता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। 1857 की क्रांति में मुट्ठी भर मुसलमानों ने अवश्य भाग ली थी, परंतु उनमें से अधिकतर मराठा साम्राज्य के प्रति निष्ठावान थे। किसी भी भारतीय मुस्लिम ने शुद्ध मन से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था और 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उनकी निष्ठा बढ़ गई थी। पहले सर सैयद अहमद खान के रूप में उन्होंने सिद्ध किया कि मुस्लिम समुदाय अंग्रेजों के प्रति सदैव निष्ठावान रहेगी और तत्पश्चात अंग्रेजों की नीतियों के अनुसार 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रचना हुई, जिसने आगे चलकर भारत के विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय और ब्रिटेन जैसे देशों के हाथों तुर्की के खलीफा के अपमान ने उन्हें पुनर्विचार पर विवश किया। यहीं से खिलाफत आंदोलन की नींव पड़ी, जिसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया, मोहम्मद अली और शौकत अली, और साथ दिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मुहिउद्दीन अहमद अथवा
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। उद्देश्य स्पष्ट था, तुर्की के अपदस्थ खलीफा के साथ हुए अन्याय के विरोध में भारत की ओर से एक अभियान आरंभ करना, और इसी खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने अपने हेतु एक अवसर भी खोजा। जिस समय खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, संयोगवश उसी समय भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन भी आरंभ हुआ था। 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में प्रख्यात नेता मोहनदास करमचंद गांधी ने संपूर्ण असहयोग का नारा दिया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को देशवासी किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे और अंग्रेजों से जुड़े हर प्रकार के वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार भी करेंगे। इसी के अंतर्गत वे अंग्रेजों को यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि उनके विरुद्ध हर समुदाय के व्यक्ति एक हो सकते हैं, और इसी उद्देश्य से मोहनदास गांधी, जो आज महात्मा गांधी के नाम से भी चर्चित हैं, उन्होंने खिलाफत आंदोलन के भागीदारों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। इसी आह्वान के पीछे गांधी जी के दो उद्देश्य थे। वे अंग्रेजों के समक्ष एक सशक्त भारत की छवि पेश करना चाहते थे, और वे अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे जो सभी को एक साथ लेकर चल सके। परंतु वे एक महत्वपूर्ण बात भूल गए, खिलाफत आंदोलन का मूल उद्देश्य। खिलाफत आंदोलन का मूल उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य एवं यूरोप पर ऑटोमन साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए दबाव बनाना और तुर्की के खलीफा को उसका स्थान दिलाना। क्या इसका भारत या भारत की संस्कृति से कोई नाता था? क्या इससे भारत को कोई लाभ मिलता? ऐसा कुछ भी न होने के बाद भी मोहनदास गांधी ने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए खिलाफत आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया और खिलाफत की मांगों को कांग्रेस के मंच से बढ़ावा दिया। पंथ निरपेक्षता के नाम पर वे भारत के सांस्कृतिक विनाश की ही नींव रख रहे थे। जिस प्रकार से निरंतर तुष्टिकरण ने डायरेक्ट एक्शन डे जैसी विभत्स त्रासदी का सृजन किया, ठीक उसी प्रकार से मोहनदास गांधी की अदूरदर्शिता और कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति ने मोपला के नरसंहार की पृष्ठभूमि रची। यदि खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस ने अपने मंच से इतना स्पष्ट बढ़ावा न दिया होता तो ये संभव था कि मोपला के मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा अवश्य करते, परंतु वह इतना विभत्स नहीं होता और ना ही इतना विशाल होता जितना 1921 के मोपला नरसंहार थे। खिलाफत आंदोलन पर कांग्रेस की अदूरदर्शिता ने निसंदेह मोपला की नींव रखी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इससे उन्होंने कोई सीख नहीं ली। अगले अंक में हम इस दंगे के नृशंस वृतांत को और स्पष्ट रूप से समझेंगे। हम समझेंगे कि महिलाओं को बेरहमी से पीटना, जीवित व्यक्तियों की खाल उतारना, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का सामूहिक नरसंहार, पूरे परिवार को जिंदा जलाना, जबरन हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण और जिन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार किया उनकी हत्या करना, अधमरे लोगों को कुओं में फेंकना और पीड़ितों को मरने और कष्टों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हेतु छोड़ देना का कार्य कैसे किया गया। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए अशांत क्षेत्रों में स्थित कई मंदिरों को कैसे अपवित्र और निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। तब तक के लिए साधुवाद।